नमस्ते है जी, मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, धन धान्य से भरने वाला एक ऐसा स्विच वर्ड है, एक ऐसा मंत्र है जो भारतीय संस्कृति से आया हुआ है, हमारे वेदों से आया है। दो शब्द का बहुत ही प्यारा ये स्विच वर्ड है जिसे हम मंत्र की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। माँ आदिशक्ति लक्ष्मी माता का ये मंत्र है, याद है ना, दिवाली में लक्ष्मी पोटली लिया था। लक्ष्मी पोटली के संग बहुत सारे प्रयोग करे थे और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने धन धान्य से अपने घर को भरा था, तो वही माँ लक्ष्मी देवी का ये मंत्र है। श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी। बेटा, ये पूरा मंत्र जो है, ये स्विच वर्ड है, इसकी एक प्रैक्टिस है, इसकी एक टेक्निक है, हफ हाफ टेक्निक इसमें हम अपनाते हैं। सुनने में लग रहा होगा हफ हाफ टेक्निक, मतलब कि एक लंबी सांस खींचते हैं जिसमें 3 सेकंड का समय लगता है, ज़्यादा भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस में आगे बढ़ते हैं तो 3 सेकंड का ही समय लगता है। उसके बाद अगले 7 सेकंडों में हम इस मंत्र को बोलते हुए छोड़ते हैं सांसों को। 3 का 4-5 भी हो सकता है, 7 का 8-9-10 भी हो सकता है, वो कोई दो दिक्कत नहीं है। 30% प्लस 70% का मामला है, ठीक है। अब ये रेशियो जो है अपने आप ही वैसा सेट हो जाता है, इसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए वर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि श्रीम ब्रिजी, तकरीबन वैसे ही हुआ ना। फिर से श्रीम ब्रिजी, अब अगला जो नियम इसके साथ हम अपनाएंगे वो ये अपनाएंगे कि इसे हम अपने कंठ से नहीं बोलेंगे, इसे हम अपने हृदय चक्र से बोलेंगे। जैसे कि आप में से बहुत लोग ये मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कि सर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपकी आवाज़ बहुत सुकून देती है। तो उसका कारण ही ये है कि मैं हमेशा अपने अनाहत चक्र से बात करता हूँ, मतलब कि सांसों को पूरा अपने डायफ्राम में भर के अपने अनाहत चक्र के हवा से मैं अपने वोकल को छोड़ता हूँ, जिससे हमेशा मेरी आवाज़ चेस्ट से आती है, सीने से आती है। ये बिल्कुल वैसा है, सरगम में 2 सा होते हैं, सारे गामा पादा नी सा, तो जो पहला सा होता है मैं उसका ही प्रयोग करता हूँ, आखिरी सा का नहीं। देखो, सारे गामा पादा नी सा, सा 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 सा, पकड़ में आई बात। जैसा कि हम ओम नाथ करते हैं ना, चेस्ट करते हैं, तो वही आवाज़ का प्रयोग करना है। और श्रीम ब्रिजी, 100 बात की एक बात जो मैं समझाना चाहता हूँ, इस सारी बातों को अपने ज्ञान में रखिए, ये करने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को पुश कीजिए और ये अपने आप हो जाएगा। दिन में 51 बार का अभ्यास कर लीजिए, चाहे तो एक माला ही जप लीजिए, कम से कम 51 बार तो कर लीजिए। बेटा, ये आपको ना केवल धन धान्य से बल्कि बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ भी देगा, आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो जाएगा, ब्रीदिंग अपने ब्रीथ पर आपकी इतनी अच्छी पकड़ आएगी जिससे आपका का फैट लॉस भी होगा, चेहरे में तेज आएगा, ऊजस्व आएगा, आप सुंदर दिखेंगे, आप आकर्षक दिखेंगे और धन संपत्ति तो आएगी ही, क्योंकि माँ लक्ष्मी का ये मंत्र है। तो माँ आदिशक्ति लक्ष्मी माता का ये मंत्र शुरू कर लीजिए, नवरात्रि का समय चल रहा है, देवी माता की ही पूजा हो रही है,
जो लोग उपवास रख रहे हैं उपवास शुरू कर लीजिए, बहुत सही समय है ये शुरू करने का। वैसे तो आप कभी भी किसी भी शुक्रवार से शुरू कर लीजिए, क्योंकि धन संपत्ति से जुड़े कोई भी कार्य शुक्रवार से शुरू करें तो सबसे अच्छा होता है। तो आज का ये अध्याय माता लक्ष्मी को समर्पित है। मैं माता लक्ष्मी से कामना करता हूँ कि आप सबके जीवन में सुख समृद्धि और शांति बरसाए। धन्यवाद।